अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ईश्वर आपको दे रहे हैं ये संकेत जो बताए हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सुबह के समय कुछ बेहद सरल व जरूरी कार्य से मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो उसके जीवन में अद्भुत और चमत्कारी बदलाव होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मनुष्य की नींद ब्रह्म मुहूर्त में अचानक खुलने के पीछे भी कई रहस्य छुपे हैं। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ माना गया है और इस समय पर मनुष्य की नींद खुलना कोई साधारण संकेत नहीं है। इससे मनुष्य को ईश्वर के द्वारा कई महत्वपूर्ण संकेत और संदेश मिलते हैं। आखिर व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर ही क्यों खुलती है? इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रहस्य हैं, जिसे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ध्यान और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त पर जागते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले का समय होता है, अर्थात 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसे बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। इस समय पर जागना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियां विचरण करती है। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त पर जागते हैं या हर रोज ब्रह्म मुहूर्त पर आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसे एक अलौकिक संकेत समझना चाहिए। आपने कभी सोचा है? ऋषियों ने, तपस्वियों ने, देवताओं ने, यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक भी ब्रह्म मुहूर्त पर जागने की सलाह देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस समय पर ऐसा क्या होता है जो मनुष्य के लिए इतना गहरा प्रभाव डालता है? हमारे शास्त्रों में सूर्य उदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी सूर्य उदय से पहले जागते हैं तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। आप सदैव ही निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत है और आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान से करने वाले व्यक्ति हैं। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मक व्यक्ति हैं और इसी कारण लोग आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं। आप जानबूझकर कभी किसी का मन दुखाने का प्रयास नहीं करते, दूसरों से कड़वी भाषा में बातें नहीं करते और कमजोर लोगों से घृणा नहीं करते। मुश्किल परिस्थिति में आप अपनों का साथ नहीं छोड़ते। आप बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण है तो इसका कारण है आपकी ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। जी हाँ, ये आपके ऐसे स्वभाव का कारण है। माना गया है कि सूर्य उदय से पहले जागकर जो लोग अपने कार्य की शुरुआत करते हैं उस काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जो महिलाएं सूर्य उदय से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। ऐसे घर में कभी भी दुख नहीं आता और सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति अनजाने में सूर्य देव की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव की पहली किरण जिस मनुष्य पर पड़ती है उसका भाग्य का उदय होता है। नित्य सूर्य का उदय होते हुए देखने से मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता का नाश होता है। वेदों में सूर्य की किरणों को कामधेनु माता के दूध के समान माना गया है। जिस तरह कामधेनु माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसी तरह सूर्य की प्रातःकाल की किरणें मनुष्य को सकारात्मकता से भर देती है। ऐसे लोगों पर शनि देव की भी कृपा होती है। आपकी अगर नींद सुबह जल्दी खुलती है तो इसका अर्थ ये भी है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। ये अलौकिक शक्तियाँ आपको संकेत दे रही हैं कि आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है, आपके जीवन के सभी कष्टों का अब अंत होने वाला है। इसके उलट अगर आप चाहकर भी सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो इसे अच्छा संकेत माना नहीं जाता। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं जागती, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता आती है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है। जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वो धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज होती है वो लाख कोशिशों के बाद भी धनवान नहीं बन पाता। ऐसे में लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। माँ की कृपा से व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सुबह उठकर बस कुछ काम करने हैं। इससे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। नंबर 1,
तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़के घर के बड़े सदस्यों या महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। वहीं थोड़े से पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर पूजा करें और फिर उसे पूरे घर के कोने व मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। नंबर दो, इस तरह चढ़ाए तुलसी को जल। तुलसी को जल देते समय हमेशा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर तीन, सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद जमीन पर पांव रखने से पहले धरती माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर दर्शन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आपको दिन की शुभता प्राप्त होगी और मन में उत्साह व लगन बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर चार, उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में जल लेकर और उसमें लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर अर्घ दे। उगते हुए सूर्य की वंदना करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, आपको धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि डूबते हुए सूर्य को आपको नमस्कार करना चाहिए। डूबते सूर्य को नमस्कार करने के बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नंबर पाँच, रोजाना स्नान करने के बाद और पूजा पाठ करके आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में तिलक लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होती ही है और साथ ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। तिलक लगाने से उदासी दूर होती है, शांति और सुकून प्राप्त होता है। अगर किसी को सरदर्द की शिकायत है तो रोजाना स्नान के बाद चंदन का तिलक लगाएं, जल्द ही लाभ होगा। साथ ही तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहती है। नंबर छह, अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी माँ का वास होता है और सूर्य अस्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसे सुबह साफ सफाई के साथ ही बाहर फेंके। नंबर सात, सभी लोगों के घरों में साफ सफाई के साथ ही पानी का पोछा भी प्रतिदिन लगाया जाता है। पोछा लगाते समय पानी की बाल्टी में थोड़ा सा सादा नमक या सेंधा नमक डाल देना चाहिए। इस नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाना चाहिए, ऐसा प्रतिदिन करें। घर में पूरे फर्श पर ऐसे ही पानी से पोछा लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाने से घर में पहली नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। घर परिवार के सदस्यों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही धन संबंधित कार्यों में जो रुकावटें आ रही है वो भी समाप्त हो जाती है। प्रतिदिन नमक मिले पानी से फर्श साफ किया जाएगा तो फर्श भी एकदम साफ रहेगा, किसी भी प्रकार के कीटाणु पनपते नहीं है। ठीक से सफाई ना हो तो फर्श पर बीमारी फैलने वाले सूक्ष्म कीटाणु पैदा हो सकते हैं जो कि नमक मिले हुए पानी से नष्ट हो जाते हैं। इससे घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।